पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हज आपके मुबारक सफर के बारे में इंशाल्लाह बातें होंगी। नौ हिजरी के अंदर हज फर्ज हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज फर्ज होने के बाद पहली मर्तबा मुसलमानों को सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में हज के लिए भेजा और उम्मत के पहले अमीरुल हज सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अभी आप रवाना हुए थे, पीछे पीछे कुछ आयात नाज़िल हुई, या अय्युहल लज़ीना आमनू इन्नमा युश्रिकूना नजस, तो कुछ अहकाम दे के सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की तरफ भेजा। अमीर हज तो सिद्दीक अकबर हैं और वक्त के जो बड़े हैं यानी नबी हैं, और उस ज़माने का कानून था कि कोई ख़ास अहकाम देने होते तो वक्त का बादशाह, वक्त का अमीर अपने करीबी रिश्तेदार को भेजा करता। तो उन हालात को देखते हुए नबी अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के बेटे अली रज़ी अल्लाह तआला को भेजा। क्या ऐलानात थे? एक तो ये हुक्म हो गया, इन्नमल मुश्रिकूना नजस, आज के बाद यहाँ कोई मुश्रिक दाखिल नहीं होगा, ये नजस नापाक। एक हुक्म उसमें यह भी था कि आज के बाद कोई नंगे तवाफ नहीं करेगा। पहले ही मुश्रिकी ने मक्का नंगा तवाफ भी करते थे और नीयत बड़ी प्यारी होती थी। नीयत क्या होती थी कि पता नहीं हमारा कपड़ा हलाल का है कि हराम का, पता नहीं कोई मुश्तबी ना हो, चलो वारिज हो गए। हमने हर हाल में शरीयत को मुकदम रखा, वो नीयत मोतबर है जो शरीयत के यहाँ। तो नीयत तो बुरी नहीं थी उनकी, लेकिन अमल बहुत बुरा था, मना कर दिया। कुछ और अहकाम थे तो वह अहकाम दे दिए गए, अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हज के महीनों में तब्दीली नहीं होगी, मुख्तलिफ किस्म की बातें थी। वो सारी चीज़ें को जो भी थी वो ऐलान हो गए, तो सदी अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु करके वापस तशरीफ गए। तो क्या था असल के अंदर, ये मेहमान खसूसी ने जो 10 दिन हज्जा में हज करना था उससे पहले तैयारियां थी और इंतजाम होने थे कि जब नबी अलैहिस्सलाम आए तो ये बुनियादी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्लाह की शान, 10 हिजरी का जो मौका आया हज का, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज का आम ऐलान फरमा दिया कि मैंने हज के लिए जाना है, जो जो मेरे साथ चलना चाहे सब को तैयारी करें। अजवाज मुतहरात सारी की सारी आपके साथ थी और बेशुमार महबूब आपके साथ हो गई। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत में मुझे एहसास है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने लोगों में हक का ऐलान किया तो कोई ऐसा शख्स बाकी न रहा जो सवार या पैदल आने की कुदरत रखता हो और उसने सफ़र का इरादा न किया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ सब हो गए, लोगों को खुशी थी नबी अलैहिस्सलाम की मईत में अल्लाह के घर का दीदार करने की और हज करने की। चले हैं तो सहाबा सब आपके साथ जौक दर जौक, और किताबों में लिखा है हदीस की कि दूर दूर तक आदमी ही आदमी नज़र आते थे। नबी अलैहिस्सलाम तो मदीना तैयबा से चले तो चंद हज़ार लोग थे, लेकिन रास्ते में जगह जगह हर हर मकाम पे और लोग आके मिलते गए, काफ़िला बड़ा होता चला गया, हत्ता कि 1.25 लाख सहाबा इससे ज़्यादा का सिलसिला बना। रिवायत के मुताबिक 25 ज़िलक़ादुल क़ादा हफ़्ते वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम मदीना तैयबा से सफ़र को शुरू किया। ज़ुहर की नमाज़ आपने मस्जिद नबी शरीफ़ में अदा की, 4 रकात अदा की और वहाँ से निकले तो ज़ुलहलीफ़ा पहुँचे। लेकिन निकलने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा इरशाद फरमाया जिसमें हज के बारे में कुछ सुनन वाजिबात और तफसीलात का हुक्म तरीक़ा बताया गया। यहाँ से जाहिर हुआ कि हाजी को चाहिए कि हज पर रवाना होने से पहले हज की मालूमात और तरीक़ेकार को हासिल करें। जो हज पे जाने वाले हैं, ये बयाना तो असल में उन्हीं लोगों के लिए हैं। नबी अलैहिस्सलाम के पूरे हज के सफ़र को पढ़ लेना, सुन लेना, एक तो बाइस बरकत, फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हो जाएंगी और हज के लिए आसानी होगी। नबी अलैहिस्सलाम ज़ुलहलीफ़ा पहुँचे, जिसको आज अबियार अली भी कहा जाता है, वहाँ आपने रात बसर की और उस रात तमाम अजवाज मुतहरात से आपने मुलाकात की और सुबह आपने गुसल भी फरमाया, अहराम के लिए भी गुसल किया। तो सुन्नत ये है, अगर मियाँ बीवी साथ हों तो सफ़र शुरू करने से पहले अगर मुलाकात हो जाए
तो दिल और दिमाग की सफाई रहती है और सफ़र में परेशानी नहीं होती। सफ़र में तो फिर सफ़र ही होता है, उसके अपने मामलात होते हैं, तो इंसान पहले से ही अपने आप को यकसू कर ले ताकि इबादत के अंदर ज़्यादा दिल लगा सके, इधर उधर दिल मुतवज्जे ना हो। तो एक नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है, जब आपने अहराम बांधने का इरादा किया, अभी अहराम आपने बांधा नहीं था, चादरें जेब तन फरमा ली थी, अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से आपको ज़रीरा नाम की एक खुशबू लगाई। अहराम बांधने से पहले, नीयत से पहले खुशबू लगाना ये सुन्नत है। और ये ज़रीरा, इसके बारे में किताबों में लिखा है कि हिंदुस्तान से आने वाली किसी कोई बुरादा हुआ करता था खुशबू का। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दो चादरें अहराम की जो हैं वो पहनी, खुशबू लगाई गई, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने दो गाना, दो नफिल अहराम के जो हैं वो अदा किए। इन दो नफिल के अंदर पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना ये सुन्नत है। और अभी जब हम नियत कर रहे हों तो सर को ढांक कर ये नफिल पढ़ेंगे, ये दो रकात जो है ये सर को ढांक कर पढ़ेंगे, और जैसे ही नियत करने लगेंगे तो सर से टोपी उतार दें और फौरी तौर पर नियत कर लें। नियत क्या होगी, इंसान हज या उम्रे का जो सफ़र कर रहा है उसी की नियत करेगा और उसके साथ फौरन तलबिया पढ़ेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी तलबिया पढ़ा, किन अल्फाज से पढ़ा, किताबों में जो अल्फाज हैं जो मशहूर और मरूफ़ हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो तीन दफ़ा पढ़ना इसको ये ज़्यादा मुनासिब है। तो तलबिया पढ़ा नबी अलैहिस्सलाम ने, किताबों में लिखा है तीन रिवायतों, तीन मकामात के बारे में, एक तो जहाँ आपने नमाज़ पढ़ी वहाँ तलबिया पढ़ा, दूसरा रिवायत में आता है जब आप सवारी पर सवार हुए उस वक्त तलबिया पढ़ा, तीसरा जब आप बैदा की बुलंदी के ऊपर चढ़ने लगे उस वक्त तलबिया पढ़ा। तो उलमा फरमाते हैं कि जिसने जहाँ सुना वो नकल कर दिया तो तीनों ही नबी अलैहिस्सलाम से साबित। तलबिया पढ़ के नियत हो गई, अब सफ़र शुरू हो गया। नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुछ जानवर थे जो क़ुरबानी के लिए साथ रखे थे, हदी उनको कहते हैं, उनको कलादा पहना दिया गया। कलादा से मुराद पट्टा, आप समझ लीजिए कि उनको पट्टा डाल दिया गया, ताहम वो जूते का था उस ज़माने के मुताबिक, वो एक निशानी होती थी कि ये जानवर जो हैं ये क़ुरबानी के जानवर हैं, ये फ़रोख्त के नहीं हैं, ये कोई और इनका मकसद नहीं है, ये क़ुरबानी के लिए हैं। और एक और भी अरब के अंदर एक रिवाज था कि ऊँटों का जो कुहान होता था ना, गोल सा ऊँचा जो हिस्सा होता है, उसमें एक मामूली सा ज़ख़म लगा कर उसके खून को थोड़ा सा लगा दिया करते थे निशानी के तौर पर, लेकिन वो ज़ख़म इतना मामूली सा होता था कि ज़रूरत पूरी हो जाती निशानी की, लेकिन ऊँट को तकलीफ़ ना पहुँचती। जानवर की तकलीफ़ का भी शरीयत ने लिहाज रखा, इतनी खूबसूरत ये शरीयत है। फिर नबी अलैहिस्सलाम के लिए ऊँट के ऊपर पालान बनाया गया, जिस तरह घोड़े के लिए ज़ेन होती है ऊँट के लिए पालान, दोनों तरफ लोग भी बैठ सकते हैं, सामान भी रखा जा सकता है, इंसान बैठ भी सकता है। और अज़वाज मुतहरात के लिए हुदज बनाया गया जिसके ऊपर बाकायदा साया था, तो उनको जो साये वाली जगह दी गई, पर्दा भी हो गया साया भी हो गया। तो यहाँ से मालूम हुआ कि अहराम के बाद जो मुहरिम आदमी है ये साये में बैठ सकता है, छतरी ले सकता है, छत के नीचे बैठ सकता है, तो ये मसला ज़ाहिर हुआ। इन्हीं मामलात और वाक़यात से उलमा ने बेशुमार मसाइल निकाले हैं। आज हज पर जाने वाले नबी अलैहिस्सलाम के हज को ये फ़ज़ाइल हज के अंदर भी लिखा हुआ है, नबी अलैहिस्सलाम को मुबारक हज, उसकी तफसीलात और भी किताबों में हैं, उसको सुनने और पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है।